आने वाला है 5 सितंबर को टीचर्स डे, और टीचर्स डे के मौके पर बनाए मिक्स फ्रूट केक। देखिए मैंने डेकोरेशन किया है, बहुत ही खूबसूरत सा है, आई होप आपको पसंद आएगा। स्पॉन्ज में अच्छी तरह से क्रीम लगाने के बाद आपको पाइनएप्पल जेल, उसके बाद ऑरेंज जेल डालना है, देखिए धीरे धीरे ही डाले, और उसके बाद जो है स्ट्रॉबेरी जेल डालना है आपको, ताकि ये एकदम सा कलरफुल हो जाए। और इस तरह से स्केल की मदद से, या आपको जो भी सहूलियत पड़ता है, कोई कार्ड की मदद से भी करते हैं तो आप जो सहूलियत पड़ता है उससे आप कर सकते हैं। और स्केल में सबको अच्छे से इसको फैलाना है। उसके बाद ऑरेंज जेल जो है लेके 2 इंच के स्पेस में आपको जो है वो लगाना है, एक बार ऑरेंज का, फिर पाइन एप्पल का, फिर स्ट्रॉबेरी का, और ये जो है आपको लगाते जाना है लाइन बाय लाइन, यानी कि इसको जो है अच्छे से फिल भी करना है, कुछ ज्यादा मात्रा में देना है ताकि ये जो है नीचे की ओर आए और ये बहुत खूबसूरत सा देखने को मिले, एक रेनबो की तरह। देखिए अब मैंने जो है बिल्कुल भी वीडियो को स्पीड नहीं किया है, और देखिए ये बिल्कुल जो है 3 मिनट में बनकर तैयार हुआ है। मैं आपको जो है अच्छे से एकदम सिंपल तरीके से सिखा रही हूँ। देखिए अब 2 बार 3 बार अगर आप जेल को डालेंगे तो वो ऑटोमेटिक धीरे धीरे नीचे की ओर आएगा, क्योंकि ज्यादा मात्रा होने पर वो नीचे की ओर आता है। तो आपको इसी तरह से धीरे धीरे करना है, कभी पाइन एप्पल का, कभी ऑरेंज का, कभी स्ट्रॉबेरी का, रियल फ्रूट का भी बनता है, तो जल्द ही वीडियो आ जाएंगी रियल फ्रूट केक का भी, तो थोड़ा सा आप वेट कर लीजिए। उसके बाद जो है इस तरह से ये लगभग जो है तैयार हो ही चुका है। अब ऊपर से है चॉको क्रीम डालना है बीच में, देखिए मैंने बीच में डाला है, ठीक है, आपको इस तरह से स्टैंड को घुमाते हुए बीच में आपको डालना है, उसके बाद दूसरे लाइनिंग में डालना है, फिर तीसरे लाइनिंग में डालना है, यानी कि जो ऑरेंज पाइन एप्पल एंड स्ट्रॉबेरी का जो है फ्लेवर उसमें आपको डालना है। उसके बाद आपको जो है टूथ स्टिक की मदद से जो है आपको इस तरह से करना है, आप धीरे धीरे करें, एक्सपीरियंस वाले को अलग बात है कि वो स्पीड में कर डालते हैं, लेकिन आप धीरे धीरे करें। देखिए बहुत खूबसूरत सा है, तीनों लाइनिंग को मिलाना है, यानी तीनों जो चॉको क्रीम है उसको एक साथ मिलाते हुए आगे की ओर निकालना है, सॉरी भीतर की ओर निकालना है, आप इसी तरह से करें। उसके बाद आपको नीचे की ओर पाइपिंग करना है, और व्हाइट क्रीम जो कलर का आपको चाहिए उस तरह से आप कर सकते हैं, गोल्डन बॉल भी डाल सकते हैं, आप जैसे सजाना चाहे वैसे कर सकते हैं। अब रोजेस जो है छोटी छोटी रोजेस बना के 3 या 5 आप जितना चाहे वो बना के आप फिल कर सकते हैं। ये है डेकोरेशन का लास्ट मोमेंट, और इसमें आप पत्तियां देने हैं, जी हाँ रोजेस की हरी हरी पत्तियां आपको देने के बाद हो गया। स्पेशली ये टीचर्स डे के लिए है तो बिल्कुल अब बनाए।